उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर से बरामद स्कॉर्पियो मामले में प्रतिदिन नए खुलासे हो रहे हैं। आपको बता दें कि अब एनआईए को एक बड़ा सबूत हाथ लगा है। घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच के दौरान ये पता चला है कि 25 फरवरी को स्कॉर्पियो खड़ी करने के बाद सचिन वझे उसमें धमकी भरा लेटर डालना भूल गया था। पीछे से आ रही इनोवा में बैठकर कुछ दूर जाने के बाद वझे को इस बात का ध्यान आया। इसके बाद वह फिर से मौके पर पहुंचा और स्कॉर्पियो में लेटर डाला। बताया तो ये भी जा रहा है कि इसी वजह से चूक हुई और वो लेटर प्लांट कर वहां से निकलने के चक्कर में वह पास की एक दुकान के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। इस दौरान वजह ने सफेद रंग का ढीला कुर्ता पैजामा पहना था, जिसे पहले पीपीई किट भी कहा गया। सचिन वजह ने स्कॉर्पियो में एक टाइप लेटर रखा था जिसमें लिखा था, प्रिय नीता भाभी, मुकेश भैया और परिवार, ये सिर्फ एक ट्रेलर है। अगली बार आपके परिवार के पास उड़ान भरने के लिए पर्याप्त सामान होगा, सावधान रहे। आपको बता दें कि पिछले सप्ताह पहले एनआईए की टीम वजह को लेकर इसी जगह फिर से आई थी और उस सीन को रिक्रिएट भी किया था, यानी अपराध जिस तरह हुआ था उसे दोहराया गया। इसके पीछे एनआईए का मकसद था कि मामले की जांच में कोई कमी ना रहे। इस दौरान वजह को सफेद कुर्ता पाजामा पहनाकर एक डमी स्कॉर्पियो तक चलाया गया। जांच में यह भी सामने आया है कि इस मामले में लॉजिस्टिक हेल्प के लिए वजह ने विनायक शिंदे को 50,000 रुपए दिए थे। बताया तो ये भी जा रहा है कि शिंदे के जरिए वजह एक ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए जो दक्षिण मुंबई में एक क्लब चलाता है। इस क्लब में जुआरी और स्टोरियों की भीड़ जमा होती है। यही उसकी मुलाकात इस मामले में गिरफ्तार बुकी नरेश गोरे से हुई। जांच में यह भी सामने आया कि सचिन वजह की एक बड़ी कमाई क्रिकेट स्टोरियों से भी होती है। मैच के दौरान उनके अड्डों पर छापा ना पड़े इसके लिए कई स्टोरिये पहले ही वजह तक करोड़ों रुपए पहुंचा देते थे। इनमें गुजरात का क्रिकेट बुकी नरेश धरे उर्फ नरेश गौर भी था। वजह को पता चला कि सत्य का पूरा कारोबार बेनामी सिम कार्ड से ही होता है, इसलिए उसने फरवरी में नरेश गोरे से कुछ सिम कार्ड देने को कहा था। जांच के दौरान महाराष्ट्र एंटी टेररिज्म स्क्वाड की टीम ने 3 मोबाइल फोन के हिस्से बरामद किए हैं, जिनमें से एक का इस्तेमाल मनसुख हिरेन को कॉल करने के लिए किया गया था। वजह ने इसे अपने एक परिचित के जरिए नष्ट करवाने की कोशिश की थी। पुलिस ने 3 सिम कार्ड भी जब्त किए हैं। जिस व्यक्ति ने वजह को 4 मोबाइल फोन दिलाने में मदद की उसकी पहचान पुलिस ने कर ली है और उसका बयान भी दर्ज कर लिया गया है। एनआईए 2 और कारों की तलाश में है जो कथित रूप से सचिन वझे ने इस्तेमाल की थी। इनमें से एक आउटलैंडर है। बताते चले कि उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर से बरामद स्कॉर्पियो मामले में प्रतिदिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब एनआईए को एक बड़ा सबूत हाथ लगा है। ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी, आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।